वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पिक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, आप हमें संपर्क करिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे का लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने के बाद सर्विस एक्टिवेट कर दी जाएगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लर्न एंड अर्न बाय YouTube, लर्न ऑनलाइन। अगर आप भी अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं और हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स का कारोबार कैसा है, बिजनेस ग्रोथ कैसी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी, क्या हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, कितना मुनाफा मिलेगा, कब तक होल्ड करना पड़ेगा, एनालिस्ट की क्या राय है, ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है इस स्टॉक में निवेश करने की, सब कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो के स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो देखकर डिसीजन ना लें इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। तो हर एक फैक्ट और फिगर्स पर ध्यान दें, ध्यान से सुने, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपका क्यूरी है इस स्टॉक के बारे में, कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स द माइंडफुल आईटी कंपनी, इनकी टैगलाइन है द माइंडफुल आईटी कंपनी, बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल। कोविड 19 के समय में आईटी बूम आ चुका है, सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं और आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला है। तो आईटी सेक्टर आगे भी क्या ऐसा ही परफॉर्म करेंगे, उन सब चीजों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहले हम इनके प्रोडक्ट्स बताएंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे। तो हैप्पीएस्ट माइंड की वेबसाइट पर हैं आप अपने सामने फ्लैश हो रही स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिए। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, हैप्पीएस्ट माइंड्स इज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडीड, एशिया टॉप 100, इंडिया टॉप 25, टॉप 50 फॉर वुमेन एंड टॉप 25 फॉर आईटी एंड आईटी बीपीएम। तो बहुत ग्रो करने वाली कंपनी है आईटी सेक्टर की हैप्पीएस्ट माइंड, और अपनी रैंक काफी कम समय में इन्होंने विश्व के कई देशों के साथ मुकाबला करके बना ली है, और बहुत अच्छा वर्क एनवायरमेंट देते हैं काम करने के लिए, और वुमेन्स को भी बहुत इनकरेज करते हैं ये अपनी आईटी फर्म में काम करने के लिए, और बेहतर माहौल देते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट जानना जरूरी है। टॉप 3 मार्केट रिसर्च कंपनी है, डिजिटल कंटेंट ब्रोकर सोल्यूशन, 20% इंक्रीज इन मोनेटाइजेशन, 200 प्लस एप्लीकेशन कवर्ड अंडर रोल बेस्ड प्रोविजनिंग, 5% इंक्रीज इन क्रॉस सेल एंड अप सेल अपॉर्चुनिटीज, 4 बिलियन सीमलेस ट्रांजेक्शंस हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड विंस प्लेटिनम एंड गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स 2021 एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम LSCP। एनुअल रिपोर्ट इज रैंक्ड नंबर 24 ग्लोबली एंड नंबर 1 इन इंडिया। तो बहुत कम समय में हैप्पीएस्ट माइंड ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और इसके लिए उसको अवार्ड भी दिए गए हैं। चेकमेट द साइबर थ्रेट्स विद साइबर रिस्क प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि तो इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल जहां सभी चीजें हो रही हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी की भी बहुत आवश्यकता है, और इस दिशा में हैप्पीएस्ट माइंड काम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि साइबर थ्रेट्स को दूर किया जा सके, सुरक्षा दी जा सके डिजिटल एसेट्स को और इंफॉर्मेशन को। हैप्पीएस्ट माइंड्स विंस 2 अवार्ड्स एट एशिया मनी एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनीज पोल 2021। तो इसको अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड को, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्टोरी अच्छी,
अच्छी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड फीचर्ड इन द फॉरेस्टर नाउ टेक रिपोर्ट रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन सर्विस। तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड विज गोल्डन पिक ऑफ बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड। तो यहाँ पर कई सारे अवार्ड मिले हैं हैप्पीएस्ट माइंड को, उनमें से एक अवार्ड है गोल्डन पिक ऑफ बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड 2021। हैप्पीएस्ट माइंड पार्टनर्स विद कोका कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड इन देयर रोबोटिक ऑटोमेशन जर्नी। तो कोका कोला कंपनी के साथ भी टाई अप कर लिया है इन्होंने और रोबोटिक ऑटोमेशन में हाथ बटा रहे हैं। विनिंग टुगेदर अगेंस्ट COVID-19 और COVID-19 से फाइट करने के लिए हैप्पीएस्ट माइंड ने बहुत बड़ा काम किया है और COVID-19 को हराना इनका मकसद है। इंडिया फर्स्ट MPCT कंप्लायंट ड्रोन फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ड्रोन फ्लाइट पर भी ये काम कर रहे हैं और इन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। बी हैप्पी स्टे सेफ, ड्रोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस पर काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और इस पर हैप्पीएस्ट माइंड काफी फोकस कर रहे हैं। तो ये थी हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में छोटी सी जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी आप इनकी वेबसाइट के माध्यम से पा सकते हैं। अवर टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स, हैप्पीएस्ट माइंड ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, डाटा साइंस, डेवऑप्स, एसडीएन, एनएफबी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर काम कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट डिमांड है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आज के समय में काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है, जैसे ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल की जाती है और क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना तो है ही, आगे आने वाली जितने भी IT टेक्नोलॉजी है वो क्लाउड कंप्यूटिंग ही होने वाली है सब कुछ। तो इस पर अभी से हैप्पीएस्ट माइंड ने फोकस करना शुरू कर दिया है और डेफिनेटली ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। एनालिस्ट मेंशंस हैप्पीएस्ट माइंड इज फीचर्ड इन नेस्कॉम्स रिपोर्ट ऑन इंडिया साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ग्रोथ स्टोरी। एनालिस्ट ने इसको बताया है कि ये साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं और काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड विंस प्लेटिनम एंड गोल्ड अवार्ड्स, जैसे कि पहले मैंने बता दिया आपको। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि इसके शेयर्स कैसे खरीदें। तो ब्रोकर वेबसाइट पर जाइए, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के स्टॉक ओपन करिए। IT सर्विसेज कंपनी है, 1159.40 इसका मार्केट प्राइस है। एक दिन में 2.33% गिर चुका है, वन वीक में 1.75% की गिरावट है, वन मंथ में 14.06% की गिरावट है, वन ईयर में 229.76% की तेजी देखी गई है इस स्टॉक में, 3 ईयर्स में 231.46% की तेजी है और ओवरऑल जो है 231.44% की तेजी है। ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 2020 में, सितंबर 2020 में। तो अभी इसको 1.5 साल ही हुआ है, तो 1.5 साल में ही इसने 230.1% का रिटर्न दे दिया है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही शानदार रिटर्न इन्होंने कम समय में दे दिए हैं। टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा अभी इसमें एंट्री के मौके हैं या नहीं है, वैसे तो आपको पता चलना चाहिए। ये है 200 MA और ये है 50 MA। तो स्टॉक जो है इसने 200 MA का सपोर्ट जो है ब्रेक कर दिया है और स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, तो इस स्टॉक में फर्दर गिरावट हो सकती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक लो है 340 रुपीज का और 52 वीक हाई है 1580। तो स्टॉक 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो 16,906 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जो कि मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो इनका बहुत ज्यादा है, 103.67 है, पीबी 30.83 है, इंडस्ट्री पी 34.81 है। तो इंडस्ट्री पी से काफी हायर पी पर ट्रेड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.93% है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है इनकी। ईपीएस 11.40 है, डिविडेंड यील्ड 0.27% है, बुक वैल्यू 41.13 है।
फाइनेंशियल क्वार्टरली इनके तेजी से ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट भी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, नेटवर्थ भी ग्रो कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इनकी नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट तेजी से ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यू भी तेजी से ग्रो हो रही है। तो बहुत अच्छे फाइनेंशियल साइंस के। करेंट ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वेंकट रमन नारायण है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 53.25% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 38.51% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 6.93% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया है, जैसे कि यूनियन स्मॉल कैप फंड ने 2.01% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एल एन टी इमर्जिंग बिजनेस के पास 0.99% की होल्डिंग है। एडीबी इंडिया टॉप 100 इक्विटी के पास 0.70% की होल्डिंग है। यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड के पास 0.70% की होल्डिंग है। और भी इस स्टॉक के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि इसके इवेंट्स के बारे में। बोर्ड मीटिंग 28 जनवरी 2022 को हो चुकी है और बोनस राइट इन स्पीड जैसी कोई न्यूज नहीं है। डिविडेंड के बारे में बताना चाहूंगा, साल में 2 बार डिविडेंड दिया है उन्होंने, एक बार 1.75 रुपीज का और एक बार 3 रुपीज का डिविडेंड दिया है। क्या न्यूज निकल कर आ रही है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी टू कन्वेंस बोर्ड मीटिंग, तो इन्होंने बोर्ड मीटिंग कन्वेंस की है। डोंट एक्सपेक्ट एनी इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन ऑन ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट बिच, हैप्पीएस्ट माइंड ने कहा कि ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है ट्रैवल मीडिया और एंटरटेनमेंट पर नहीं पड़ेगा। चलिए इसका टारगेट भी हम आपको बता ही देते हैं। अर्निंग अपडेट, हियर इज व्हाई एनालिस्ट जस्ट लिफ्टेड देयर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्राइस टारगेट टू 1550। तो इसको एनालिस्ट ने जो प्राइस टारगेट दिया है 1510 रुपीज का दिया है, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है February 2, 2022 की। तो आप इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो। कौन से स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, जानने के लिए हमें मेल और व्हाट्सएप करिए। प्रीमियम सर्विस सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, पे करने के बाद इसकी सर्विस एक्टिवेट कर दी जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, जिससे स्टॉक मार्केट लेटेस्ट अपडेट और न्यूज मिलती रहे आपको। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब, लर्न ऑनलाइन। अगर आप खुद भी यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं और यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।